उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के ब्लॉक ललौरी खेड़ा की एक संस्था के खिलाफ आज एक शिकायती पत्र खंड विकास अधिकारी को दिया गया। आपको बता दूं कि शिकायतकर्ता ने श्री राधे कृष्ण समूह की अध्यक्षा खुशबू और बीएमओ सुमित कुमार पर आरोप लगाया है कि इनके द्वारा पैसे का बड़ा घोटाला किया गया, जिसकी जाँच होना आवश्यक है। नाम है आपका? सोमवती। सोमवती जी, कौन से गांव की रहने वाली हैं आप? ललौरी। ब्लॉक कौन सा है यहाँ का? ललौरी। और जिला? पीलीभीत। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? पैसे निकालने की समस्या, मतलब बिना साइन से पैसे निकाले हम लोगों ने। क्या है आपको और कहाँ से पैसे निकाल लिए हैं? बैंक से। सचिव आप किस चीज की सचिव हैं आप? समूह के। कौन सा समूह है? राधा श्री कृष्ण। अच्छा, तो किसने पैसे निकाले? खुशबू ने, वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष हैं समूह के। तो कितना पैसा निकाला है इन्होंने? दो बार पैसे निकाले थे, तब तो साइन लिए थे, और तिवारा निकाले तब इन्होंने साइन नहीं लिए थे। पता नहीं कैसे पैसा निकाल लिए। 1.5 से 2 लाख रुपए लगभग। अच्छा, कितना पैसा है लगभग निकाला है जो? इन भैया ने चेक कराई, कह रहा बिल्कुल पैसे नहीं है, किताब चेक करके आए। अच्छा, 1.5 से 2 लाख। क्या नाम है आपका? मनकोरा। मनकोरा जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? ललौरी। ललौरी। ब्लॉक कौन सा है यहाँ का? ललौरी खेड़ा। और जिला? पीलीभीत। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हमारे साइन होते नहीं होंगे, एक दीवार भाई बस, और पैसा निकल गया, वो पैसा है ही नहीं, कोई मांग रहा हो तो देना आ रही। तो किस चीज़ का पैसा निकल गया है, काय के साइन करती हैं आप? कौन हैं आप? कोषाध्यक्ष जी। किसकी हैं आप कोषाध्यक्ष? कोषाध्यक्ष किस चीज़ की हैं? समूह की। कौन सा समूह है? राधे कृष्ण। तो पैसा कितने निकाल लिया? अब पता ना, जो हमसे बड़ी हैं उन्होंने निकाला। कौन है? खुशबू। खुशबू कौन है? वो बड़ी हैं हमसे, सब बिना समूह जोड़ो है। अच्छा, तो शिकायत की आपने इसकी कहीं पे? हमने भी नहीं कही है। अब देख देख के कि पैसा मांग रहे हैं तो देना रही है, तब जो ऐसा कर रहे हैं। शमशेर सिंह। शमशेर सिंह कौन से गांव के रहने वाले हैं? ललौरी। ललौरी। ब्लॉक कौन सा है यहाँ का? ललौरी खड़ा ब्लॉक। और जिला? पीलीभीत। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या ये आ रही है, राधा कृष्ण समूह है जो, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? 12-13 मेंबर को किसी को ये जानकारी नहीं हमारा पैसा कहाँ है, कितना कहाँ चला गया। ये सुमित जो बीएमओ हैं और खुशबू जो है अध्यक्ष है, इन लोगों ने मिलकर ये पैसे का घोटाला किया है। जब हमारी पत्नी सुरभि ने ये चीज़ जब सवाल उठाया तो वो लोग कोई हिसाब नहीं देना चाह रहे। हमने वीडियो साहब को इसको पत्र भी लिख के सब महिलाओं ने मिलकर साइन करके दिया है। क्या चाहते हैं बाबा? हम ये चाहते हैं कि इस पैसे की जो भी जानकारी लिखित में दी जाए, बैंक से या वीडियो साहब जो भी दें, और नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कितना पैसा आप बता रहे हैं? कम से कम 1 लाख से 80 हज़ार से लेकर 2 लाख रुपए, 2 लाख के आसपास।